केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने भी रुपेश हत्याकांड पर पटना पुलिस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने इस घटना को पुलिस का निकम्मापन बताया, उन्हें निलंबित करने की मांग की। बात करते हैं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता आरके सिंह से। सर, जिस तरह से पटना में हत्या हो जाती है इंडिगो के स्टेट हेड की, कैसे देख रहे हैं इस घटनाक्रम को? चूंकि कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। यह सवाल तो पैदा करता है, बहुत ही गंभीर बात है एक इंडिगो का स्टेट हेड का हत्या हो जाना। और बहुत ही वो लड़का बहुत ही पॉजिटिव था, कोई भी जाते थे पैसेंजर्स हम लोग को याद है तो तुरंत आकर के सहायता वगैरह करता था। यह पटना पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा करता है एकदम, बिल्कुल साहब ये निकम्मापन पुलिस का दर्शाता है, मैं तो यही कहूँगा। वहाँ पर आसपास जरूर चेक पोस्ट रहा होगा, जरूर नाका रहा होगा, वो लोग कर क्या रहे थे? सरेशाम कैपिटल में हत्या हो जाए, यह बड़े शर्म की बात है, पटना पुलिस के लिए शर्म की बात है। और मुझे तो लगता है कि उस क्षेत्र के जो भी पदाधिकारी लोग हैं उनको तो निलंबित कर दिया जाना चाहिए। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने लोगों से पुलिस को सहयोग करने की अपील की और उम्मीद जताई कि पुलिस जल्द ही इन हत्यारों को गिरफ्तार कर लेगी। देखिए, बहुत अच्छे इंसान थे, सभी लोगों से उनके बहुत ही मधुर संबंध थे, अटूट सेवा भाव था, सबकी मदद करते थे, सबकी सेवा करते थे। हत्या होना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है पुलिस हत्यारों को खोज ले। हम लोगों को ऐसी परिस्थिति में धैर्य का परिचय देना चाहिए और पुलिस को, प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। निश्चित रूप से उनके हत्यारों को पटना पुलिस खोज लेगी। चंद्रमोहन हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। चंद्रमोहन, देखिए एसआईटी का गठन हुआ है, क्या उनके अधिकारी पहुंचे हैं एसआईटी के? जांच आगे बढ़ रही है? बिल्कुल, देखिए जो एसआईटी की गठन हुई है उसमें पटना सिटी के सेंट्रल एसपी हैं विनय तिवारी, उनके नेतृत्व में इस एसआईटी का गठन हुआ है जिसमें 2 डीएसपी और 3 इंस्पेक्टर शामिल हैं। अब से थोड़ी देर पहले जो 1 डीएसपी हैं अपने इंस्पेक्टर के साथ एयरपोर्ट पर जाँच के लिए पहुँचे हैं और तकरीबन 2 घंटे का वक्त हो गया है जहाँ पर लगातार जाँच चल रही है। और जो इंडिगो के अधिकारी हैं उन लोगों से भी पूछताछ चल रही है, जो कर्मचारी हैं उनसे भी पूछताछ की गई है कि कहीं किसी तरह की किसी से अदावत नहीं थी, या फिर पुलिस यह भी खंगालने की कोशिश कर रही है कि जो रुपेश सिंह है उनकी पहले किसी से पुरानी रंजिश तो नहीं थी। तो पूरे मामले की जांच चल रही है और 2 टीम इसमें पूरी तरह से जांच कर रही है, जिसमें एक तरफ एसआईटी है तो दूसरी तरफ एसटीएफ है। एसटीएफ की टीम भी रात से जांच कर रही है और एसआईटी की टीम भी कल रात से ही लगी हुई है। और जो सीसीटीवी में फुटेज मिला है जिसमें 2 लोग जाते हुए दिखे हैं मोटरसाइकिल पर, उनकी भी तलाश तेज कर दी गई है कि आखिर कौन वो शख्स थे जो उस इलाके से गुजरे थे। और उसी फुटेज में वो भी दिख रहे हैं कि वो थोड़े देर पहले उस इलाके में गए थे और फिर वापस आए थे, तो कहीं ये हत्यारे वही तो नहीं है, इसको भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, आप रहिए साथ। बिहार की राजधानी पटना में इंडिगो के मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या से सनसनी इस वक्त फैली हुई है। हत्याकांड की जांच के लिए पटना पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। पटना पुलिस को हत्याकांड वाले इलाके की एक सीसीटीवी फुटेज भी मिली है जिसमें 2 बाइक सवार भागते दिखे। पुलिस को इन दोनों युवकों की तलाश है। पटना में इंडिगो के मैनेजर रूपेश सिंह की हत्या। अपार्टमेंट के बाहर गोली मारकर हत्या। हत्याकांड से बिहार में हड़कंप। एसआईटी ने शुरू की रुपेश हत्याकांड की जांच। बिहार की राजधानी पटना के पॉश इलाके पुनाईचक में मंगलवार की शाम हथियारबंद बदमाशों ने उनके अपार्टमेंट के गेट पर उनकी गाड़ी में ही गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की खबर फैलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और पूरा इलाका छावनी में बदल गया। रुपेश को इलाज के लिए पास के ही अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। समासादी घटना है, एक रुपेश कुमार है, इंडिगो में मैनेजर थे, उनको गोली मारी गई है।
इलाज के लिए उनको पारस ले जाया गया है, वहाँ भी हमारी टीम कैंप कर रही है। अभी तक इतना ही इन्फॉर्मेशन है, कितने अपराधी आए थे, कैसे आए थे, अभी देखने वाले नहीं बताए हैं, और ऑफिस से जब ये लौटे तब की घटना है, बाकी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जांच के लिए मौके पर पहुंची पुलिस के हाथ ना तो कोई सुराग आया और ना ही कोई चश्मदीद। पुलिस पहुंची तो रुपेश को जिस गाड़ी में गोली मारी गई थी उसकी लाइट जलती मिली। अब इस मामले की जांच एसआईटी के साथ एसटीएफ कर रही है। हत्या के मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है, तो वहीं एसटीएफ भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और हम अभी मौजूद हैं उसी अपार्टमेंट के पास जहां कल 7:15 के करीब रुपेश पहुंचे थे अपार्टमेंट में अंदर जाने के लिए, और गेट के पास जैसे ही वो पहुंचे उसके बाद उनके ऊपर अपराधियों ने गोली की बौछार कर दी। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो उनके गाड़ी के शीशे हैं वो बिखरे पड़े हैं और वो खुद गाड़ी ड्राइव करके यहाँ पर पहुंचे थे, और अंदर जब तक जा पाते तब तक अपराधियों ने उनके ऊपर गोलियों की बौछार कर दी और उनको जब तक अस्पताल पहुँचाया जाता उनकी मौत हो चुकी थी।